फ्रेंड्स, ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 38 है। इस लेक्चर में हम लाप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म जो है, ये लाप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, इसका सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके सॉल्यूशन के लिए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एक सॉल्यूशन मान लेते हैं। सपोज यू आर थीटा बराबर, और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, कैपिटल आर, आर का फंक्शन, एंड एफ को जो है वो फंक्शन है थीटा का। यहाँ पे आर जो है ओनली आर का फंक्शन है, थीटा जो एफ जो है ओनली थीटा का फंक्शन है। तो इस कंडीशन में हमने ये इसका सॉल्यूशन मान लिया। अब फ्रेंड्स, ये अगर इसका सॉल्यूशन है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कराते हैं इसको। तो डेल यू अपॉन डेल आर देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ तो बाहर, डेल आर अपॉन डेल आर। अब फिर चूंकि आर जो है ओनली आर का ही फंक्शन है, तो यहां से इसको हम कंप्लीट डेरिवेटिव में लिख सकते हैं, ये कंप्लीट डेरिवेटिव लिख सकते हैं इसको। ये हो गया डेल यू अपॉन डेल आर, साथ में हम चाहिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर की वैल्यू, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट किया, तो ये हो गया हमारे पास एफ डी स्क्वायर आर अपॉन डी आर स्क्वायर, और साथ में हमें चाहिए डी डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करें, थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास, यहां से देखते हैं तो आर, और ये डी एफ अपॉन डी थीटा, ये हो गया। अब फ्रेंड्स, यहां से इसको लिख सकते हैं हम, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर बराबर आर डी स्क्वायर एफ अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये हो गया। अब ये वैल्यूज हम यहां से, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इस इक्वेशन में जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा यहां से एफ डी स्क्वायर आर अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर, और ये हो गया डी यू अपॉन डी आर की वैल्यू जब पुट की, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ये एफ डी आर अपॉन डी आर प्लस, जब ये वैल्यू पुट की हमने डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर अपॉन आर स्क्वायर डी स्क्वायर एफ अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये हो गया। बट फ्रेंड्स, अभी हम देखें तो ये हमारे पास सेपरेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एफ का है, यहाँ पे कुछ आर का फंक्शन है, एफ एंड आर, एफ एंड आर इस तरह से फंक्शन चल रहे हैं, यहाँ जैसे डेल स्क्वायर एफ है और यहाँ पे आर का फंक्शन है, तो अभी ये सेपरेट नहीं है। तो इसको सेपरेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एफ आर स्क्वायर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ का डिवाइड कर देंगे आर स्क्वायर अपॉन एफ, इसका हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर एफ का दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास यहां से आ जाएगा, ऊपर पुट कर ऊपर लिख देता हूं यहां पे, ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन एफ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी स्क्वायर आर अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस आर डी आर अपॉन डी आर प्लस आर अपॉन एफ डी स्क्वायर एफ अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स, अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो अभी ये सेपरेट नहीं हुए, ये टर्म सेपरेट हो चुकी है, ये सेपरेट हो चुकी है, बट ये टर्म अभी सेपरेट नहीं है आर और एफ के भी ओर से, तो हमें आर वन अपॉन आर का और मल्टीप्लाई करना होगा। तो वन अपॉन आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से ये आर कट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल टर्म में आर स्क्वायर आर अपॉन डी स्क्वायर आर अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस आर अपॉन आर डी आर अपॉन डी आर प्लस वन अपॉन एफ डी स्क्वायर एफ अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं।
तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको आर स्क्वायर आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस आर अपॉन आर डी आर अपॉन डी आर इक्वल टू माइनस वन अपॉन एफ डी स्क्वायर एफ अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब फ्रेंड्स ये टर्म आ चुकी है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये टर्म ओनली आर की है, इसमें ओनली आर के फंक्शन है, और इसमें देखें तो ओनली एफ के फंक्शन है, और दोनों टर्म जो है इक्वल है। तो ये इक्वल कब हो सकते हैं, जब किसी है कॉन्स्टेंट से इक्वल हो, तो इसको हमने कॉन्स्टेंट दे दिया के। तो अब यहां से हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, फर्स्ट इक्वेशन है वो है हमारे पास यहां से आर स्क्वायर अपॉन आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस आर अपॉन आर डी आर अपॉन डी आर इक्वल टू के, ये हो गया। अगर हम आर का आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, इस क्वेश्चन में दोनों तरफ आर का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू के आर, ये हो गया हमारे पास। तो अगर इसको हम क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को और अच्छे से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर, यानी इस टर्म को हम इस साइड में ला सकते हैं, के आर को इस साइड में ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के आर इक्वल टू जीरो। अब ये हो गया। तो फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम आर बराबर कुछ मान लें, आर बराबर ई टू दी पावर जेड मान लें, आर बराबर ई टू दी पावर जेड मान लें, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो सॉल्यूशन है हमारे पास जो डी आर अपॉन डी आर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास डी जेड अपॉन डी आर, इसी तरह से डी स्क्वायर आर अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा डी डी माइनस वन, यहां पे डी बराबर डेल अपॉन डेल आर सॉरी डेल अपॉन डेल जेड, ये जेड ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो यहां से हमने इस वैल्यू पुट की, तो यहां से ही हो जाएगा हमारे पास लेट आर बराबर ई टू दी पावर जेड, ये हमारे पास जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी करते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारे पास, यहां से हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा डी डी माइनस वन प्लस ये हो जाएगा डी माइनस के, और ये हो गया आर इक्वल टू ये हो गया जीरो। यहां से ये हो गया हमारे पास यहां पे डी बराबर जो है वो है डेल अपॉन डेल जेड, ये हो गया। तो ये हो गया डी स्क्वायर, और यहां से माइनस डी आएगा प्लस डी आएगा कट जाएगा, तो डी स्क्वायर माइनस के इक्वल टू जीरो, ये आ गया हमारे पास, ये टर्म आ चुकी है अब डी स्क्वायर माइनस के इक्वल टू जीरो। तो अब यहां से इसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, यहां से अगर देखें तो डी स्क्वायर एक्सेलरेटेड इक्वेशन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, तो क्योंकि आर एस एस जीरो है तो एक्सेलरेटेड इक्वेशन जो होगी इसकी वो होगी एम स्क्वायर माइनस के इक्वल टू जीरो, या एम बराबर के, एम बराबर रूट के आर प्लस माइनस रूट के, तो एम बराबर प्लस माइनस रूट के, तो फिर से एम बराबर प्लस माइनस रूट के। बट अगर हम यहाँ पे ये हमने के माना है, इसको इक्वल सभी को के माना था, के की जगह हम सपोज के की जगह एन स्क्वायर, क्योंकि ये भी कॉन्स्टेंट है और के बराबर ये भी कॉन्स्टेंट है, तो के बराबर अगर हम एन मान लें तो हमारे पास सॉल्यूशन चेंज हो जाता है, चेंज नहीं होता मतलब एन की जो कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, और मोस्टली जो सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन वो इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। बट मेरा एम यहाँ पे सिर्फ जनरल मेथड का है, एन की वैल्यू कुछ भी हो के की वैल्यू पे हमारे पास डिपेंड करेगी, तो मैं जनरल मेथड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ही हो जाएगा एम स्क्वायर एम बराबर के, तो यहां से हो जाएगा आर बराबर इसका जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा हमारे पास सी वन ई टू दी पावर रूट के जेड प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस रूट के जेड। बट जेड बराबर क्या है यहाँ से, क्योंकि हमारे पास आर बराबर ई टू दी पावर जेड था,
तो जेड बराबर लॉग आर, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास आर बराबर सी वन यू टू दावर रूट के लॉग आर प्लस सी टू यू टू दावर माइनस रूट के लॉग आर, ये हो गया। तो अगर यहां से अगर हम देखें तो ये टर्म हमारे पास हो जाएगी सी वन ई टू दी पावर लॉग आर टू दी पावर रूट के एंड प्लस सी टू ई टू दी पावर लॉग, और ये हो गया हमारे पास आर टू दी पावर माइनस रूट के, ये हो गया। तो यहां से हम अगर देखना चाहें तो यहां से हमारे पास हो जाएगा, ये हो गया सी वन आर टू द पावर रूट के प्लस सी टू आर टू द पावर माइनस रूट के, तो एक हमारे पास आर बराबर ये आ गया, ये हमारे पास आर बराबर आ गया। अब जब हमारे पास सेकंड था हमारे पास थीटा के लिए, थीटा के लिए जो इक्वेशन थी वो थी हमारे पास माइनस डी स्क्वायर एफ अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर के, ये इक्वेशन थी फ्रेंड्स। तो इस इक्वेशन की हेल्प से जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा डी स्क्वायर एफ अपॉन डी थीटा स्क्वायर अपॉन, यहां पे नीचे बल अपॉन एफ भी था उसमें, ये था इक्वल टू, अब यहां पे इस और यहां पे बल अपॉन एफ भी था तो ये हो जाएगा माइनस एफ, इसका एफ का मल्टीप्लाई किया तो एफ के, तो यहां से हो गया हमारे पास डी स्क्वायर एफ अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस एफ सॉरी प्लस एफ के इक्वल टू जीरो, ये हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं और यहां से लिख सकते हैं डी स्क्वायर एफ या डी स्क्वायर प्लस एफ के इक्वल टू जीरो, तो एक्सेलरेटेड इक्वेशन इसकी जो बनी वो बनी हमारे पास एम स्क्वायर प्लस के इक्वल टू जीरो, और एम बराबर आया हमारे पास प्लस माइनस रूट के आयोटा, रूट के आयोटा फ्रेंड्स यहाँ पे ये आया। हो सकता है ये के अगर नेगेटिव है, नेगेटिव होने की कंडीशन में हमारे पास ये सिंपली के आ जाए, तो यहां से हम यहाँ पे अगर हमने के जो है लेस देन जीरो है तो उस कंडीशन में ये जो नंबर है वो रियल आ जाएगा, और के ग्रेटर देन जीरो है तो वो इमेजिनरी आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सपोज कि के लेस देन जीरो है, तो के ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे हमने लिया के ग्रेटर देन जीरो तो उस कंडीशन में ये इमेजिनरी आ जाएगा। तो यहां से अगर हम देखना चाहें तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ये एफ बराबर एफ बराबर सी थ्री ई टू दी पावर आयोटा रूट के थीटा प्लस सी फोर ई टू दी पावर आयोटा रूट के थीटा, ये हो गया। फिर यहां पे मैं उसको साइन और कॉस की फॉर्म में लिख सकता था, लेकिन जब इसको खोलेंगे तो वो साइन और कॉस की फॉर्म में पहुंच जाएगा, और के की हर वैल्यू के लिए अगर सपोज ये के ग्रेटर देन जीरो है तो ये रियल नंबर देने का, और के ग्रेटर देन जीरो है तो ये के ग्रेटर देन जीरो होने केस में ये इमेजिनरी नंबर दे देगा, इसी को सॉल्व करके। तो जनरल फॉर्म जो है इसकी ये आई हमारे पास के और एफ की वैल्यू, तो जो टोटल सॉल्यूशन आया हमारे पास वो आ गया हमारे पास, हमें लिखना है आर डॉट एफ, तो जनरल सॉल्यूशन आ गया हमारे पास सी वन ई टू दी पावर रूट के आर प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस रूट के आर, और इसका मल्टीप्लाई होगा हमारे पास सी थ्री ई टू दी पावर आयोटा के थीटा प्लस सी फोर ई टू दी पावर माइनस आयोटा के थ्री और के थीटा, ये रूट है। अब फिर यहाँ पे गिवन कंडीशंस हो सकते हैं, कुछ बाउंड्री कंडीशंस हो सकते हैं, उन बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से हमारे पास के की वैल्यू और जो कॉन्स्टेंट है इनकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स।